सभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 बजे और हम लोग 4 बजे निकले हैं। अब जाने वाले हैं कॉलेज पार। हाँ, फोकिरचंद कॉलेज पार जाने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं फोकिरचंद कॉलेज पर और यहाँ पे हम लोग कुछ टाइम रिहर्सल करने वाले हैं। और देख सकते हैं आप पीछे के लोकेशन कितना मस्त है। फिलहाल तो यहाँ पे कुछ टाइम रुकेंगे और चलिए हम आपसे मिलाते हैं जीसन बाबू से। ये हैं हमारे ठाकुरदा, जो कि इनको हिंदी बहुत पसंद है पर आता नहीं है, सिर्फ आता है तो घाली भोसड़ी का नहीं, भोजी का। ये है पीपल का पेड़। कॉलेज से पहले और कॉलेज के बाद सारे लड़के लड़कियाँ यहाँ पे अपनी निशानी छोड़ जाते हैं। चलिए अब नदी की तरफ चलते हैं और ये देख रहे हैं कितना हमारा कितना मज़ेदार लोकेशन है। और यहाँ पे हमारा रिहर्सल लगभग ख़त्म हो चुका है, हम नीचे जाएंगे। चलिए, और यहाँ पे जो जेल जेल बोलते जो मच्छी पकड़ते हैं हमारे में, तो इनसे कुछ बातचीत करेंगे, इनके बारे में पता करते हैं। तो ये नदी के किनारे देख सकते हैं छोटे छोटे कीड़े, जैसे ही मैं पहुंचा तो ये तुम्हें देख के भाग रहे। नहीं नहीं, मुझे देख के भाग रहे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, जिस काम के लिए आए थे बात करते हैं उनसे। और ये देख सकते हैं साइन बाबू अभी अभी गिर चुके थे, इनके बम पे कीचड़ का निशान लेके चल रहे हैं धोनी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ओ नो, ये क्या हो रहा था। चलो, ऊपर वाले ने बचा लिया और हम बच गए। अभी आगे चलते हैं। চিংড়ি বেশি হয় মাছ বেশি মিন মনে হয় আপনারা মানে আপনাদের নিজেদের নাকি এটা মাইন্ড সিস্টেম চাকরি সিস্টেম এরকম যা হবে দিয়ে দেবো না নিয়ে চা হবে পারে ও ঠিক আছে আজকে একটা ব্যক্তি হবে তাহলে এদিকে আই চলো আগে ओ, इनसे ये पता चला है कि ये कभी टाइम नहीं देखते। रात को जब ही नींद टूट जाता तभी आ जाते, रात के 3 बजे हो, 2:30 बजे हो या 4 बजे हो। तो इन्होंने टाइम नहीं देखा और लगभग कुछ 3 बजे चले आए, 3:30। तो चलिए आगे इनसे चल के कुछ बात करते हैं। ये कह रहे हैं इस वक्त लेके बैठे फिलहाल खाली नहीं है, जो इनको मिला है वो लेके एक बार भेज चुके हैं और अब इन लोग की रनिंग है। चलो आगे चलते हैं, वो अंकल क्या कर रहे देखते हैं।
ওটা কি করছো কাকু? ধরতে হবে, টানতে হবে। এটা কি জাল ফেলেছ? কাদা জাল ফেলে দেখছেন নাকি? না না, কাজ বাদ আছে। আমি বুঝতে পারছি না যে এটা ঘোড়ার নিচে খুঁড়ে কানা মারা আছে, ওখান থেকে করাচ্ছে এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, করুন। কটার সময় এসছেন? ওই সকালে। সকালে নাস্তা উনি করেছেন? না, নাস্তা মানে দাওয়া দিয়ে তো মাছ কিনতে এসেছে। ও, মাছ কিনতে এসছেন, ঠিক আছে। তাহলে ये अंकल यहाँ पे एक साल बाद कुछ करने जो यहाँ से मच्छी पकड़े हैं वो जो दिख रहे हैं आपको वो काची यानी वहाँ पे वो इसका वो कुछ सटाई विटाई कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं, हम जाके पता करते हैं। चलिए, चूंकि लक्की को छो दादा। ओ सर, ये बात नहीं कर सकते क्योंकि ये काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये छोटे छोटे से मच्छी जो है, बिल्कुल छोटे छोटे से, इसका कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो कुछ इसका काउंटिंग कर रहे हैं और वो इसको बेचते। अंकल जो तू हंडी लेके आए, हमें तो खाली पानी ही दिख रहा है बस, बाकी इसमें क्या है और कैसे क्या निकालते ये जो भी है आपको दिख रहा है सब। इरफान गुड लाइफ में आप सबका स्वागत हो। यहाँ पे इरफान 9702 डाल दीजिए, देखिए सर्च बार में मेरा नाम आ गया है। सो क्लिक करते ही सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और सारे